हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा ऐसे ही क्वेश्चन जिसमें रेट और टाइम गिवन हो, और सेकंड पार्ट आएगा व्हेन रेट और टाइम नॉट गिवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के जिसमें RT नॉट गिवन, रेट या टाइम में से कोई एक चीज़ ना दी हो। तो इसके मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। मैंने फर्स्ट पार्ट है ऐसे क्वेश्चन जिन्हें जिनमें प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो। सेकंड है दो बार टाइम और दो बार अमाउंट, दो बार ही समय दिया होगा और दो बार ही क्वेश्चन में क्या दिया होगा, विसर्जन। थर्ड है समय डबल हो या हाफ, डबल मीन्स 5 साल 10 साल, हाफ मीन्स 8 साल 4 साल। तो ये आपका आएगा टाइम जिसमें समय डबल हो जाए। एंड टाइम, एंड टाइम मीन्स है कोई धनराशि 5 साल में 4 गुना हो जाती है तो बताओ 8 गुना कितने साल में हो जाएंगी, एंड टाइम। फिफ्थ है आपका इंटरेस्ट की बात हो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ब्याज की बात हो। ब्याज की बात मीन्स आपको साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, उनका डिफरेंस, उसी तरह से ब्याज के बारे में डेटा दिया होगा, आपको मूलधन अमाउंट के बारे में नहीं दिया होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन का अपना अपना प्रोसीजर है। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, देन दो बार टाइम, दो बार अमाउंट हो, इस तरह से वन बाई वन सारे मेथड आएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर ऑफ n। तो इससे हम पहले सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे, और प्रिंसिपल अपन अमाउंट इक्वल टू 100 + R/100 पावर ऑफ n। तो आप कह सकते हो 100 + R की पावर n, ये हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारे पास 100 पावर ऑफ n। तो ये हमारे पास रेशियो है, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। ये जो रेशियो है ये प्रिंसिपल अमाउंट का फाइनल रेशियो है। फाइनल रेशियो मीन्स सपोज टाइम 3 साल था तो ये 3 साल बाद का रेशियो है, अगर समय 2 साल था 2 साल बाद का रेशियो है, फाइनल रेशियो है प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। तो एग्जांपल देखते हैं, रेट है हमारे पास 5%, समय है 2 साल। तो देखो रेट 5% है तो प्रिंसिपल मानना 100, तो 5% 1 साल का ब्याज 5, तो अमाउंट आई 105। ये रेशियो और इस रेशियो में क्या डिफरेंस है, 100 105 रेशियो है ये अकॉर्डिंग टू रेट है, ये 1 साल का है, और जो ऊपर वाला रेशियो है ये आपका फाइनल है टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो रेट 5% तो रेशियो आएगा 100 105 20 21, ये 1 साल बाद, समय दिया 2 साल, तो 2 साल बाद का रेशियो फाइंड करने का सिंपल सा आपने देखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट की पावर में क्या आ रहा है एन, एन का मतलब होगा कितनी बार ब्याज मिलेगा टाइम। तो टाइम है हमारे पास 2 साल, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। तो हमने रेट से फर्स्ट ईयर का रेशियो बना लिया और उसका जितना टाइम था उतनी पावर की, तो फाइनल रेशियो बन गया 400:441। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, अगर मेरे पास पहला रेशियो है और मैं उससे 2 साल बाद में रेशियो फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे उसका स्क्वेयर करना है। आप ये भी कह सकते हो अगर मेरे पास 2 साल बाद का रेशियो है और मुझसे फर्स्ट टाइम का, फर्स्ट 1 साल का रेशियो फाइंड करना है तो मुझे स्क्वेयर रूट करना है, मतलब आगे बढ़ना है तो स्क्वेयर क्यूब पावर 4 आएंगी, वापस आना है रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट, इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रेट है 25%, समय 3 साल, तो 25% का रेशियो आएगा 4:5, ये रेशियो है पहले साल का अकॉर्डिंग टू रेट। अब टाइम गिवन है 3 ईयर, तो 4 का क्यूब आ जाएगा 64, 5 का क्यूब आ जाएगा 125। तो अब हम जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा 4:5, तो फाइनल रेशियो हमें गिवन होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था, ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो, तो ये उसका प्रोसीजर हुआ। पहले प्रिंसिपल अमाउंट से रेशियो बनाओ, अकॉर्डिंग टू टाइम इसका स्क्वेयर रूट क्यूब रूट सॉल्व करो, आपके पास वहाँ से रेट इजीली फाइंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगेन फॉर्मूला प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट फॉर टाइम, वो द रेट कैलकुलेट करेंगे जो पीछे हमने देखा, तो वहाँ से हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 20% 2 साल है सपोज करो, तो 20% की वजह से जो फर्स्ट रेशियो आएगा वो 4:5 आ जाएगा, 4:5 सॉरी रेट है यहाँ पर 25%, तो 25% का रेशियो 100 125,
125 का रेशियो आ जाएगा 4:5। अब टाइम है 2 साल, हम अभी टाइम फाइंड भी करेंगे कैसे होगा। तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयर, तो 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, ये 2 साल बाद का रेशियो आ गया हमारे पास। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, फर्स्ट ईयर का रेशियो हमें पता होगा, मीन्स हमें टाइम कैलकुलेट करना है, रेट गिवन होगी, तो फाइनल रेशियो गिवन होगा, वहाँ से हमें फाइंड करना है टाइम क्या होगा। तो बस हमें ये देखना है कि फर्स्ट रेशियो से लास्ट रेशियो कैसे बना। तो फर्स्ट रेशियो से लास्ट रेशियो बना है स्क्वेयर करने पर, तो इसका मीन्स टाइम 2 साल है। अगर हाफ ईयरली होता तो 2 का मतलब होगा 6 6 महीने के 2 सेक्शन, मतलब 1 साल। तो यहाँ पर जितनी पावर करोगे वो उसका क्या होगा, टाइम। आप रेशियो में भी चेक कर सकते हो, 100 की पावर n, 100+r की पावर n, ये आपका टाइम होता है। कि फर्स्ट रेशियो से फाइनल रेशियो बनने के लिए स्क्वेयर करना पड़ा, क्यूब करना पड़ा, जितनी पावर आपने की वो आपका क्या होगा, टाइम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रेट का जो रेशियो है 16 से 2/3%, तो इसका रेशियो बन जाएगा 6:7। प्रिंसिपल अमाउंट है 216:3443। अब हमें ये सोचना है कि 6:7 से 216:3443 कैसे बना। तो ये बना क्यूब करने पर, तो आप कह सकते हो टाइम कितना है, 3। अगर ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग होता तो आप कह सकते थे 3 सेक्शन का मतलब हो जाएगा 6 6 मंथ के, 3 सेक्शन मतलब 1.5 साल। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट क्या हो गिवन। क्वेश्चंस के साथ लिखा हुआ है ये बुकलेट में आपको कौन से नंबर पे मिलेंगे, बुकलेट में इसका नंबर है 74। अब देखते हैं, किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000, यदि चक्रवर्ती ब्याज दे हो तो 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाएगा। तो 3,000 रुपये हमारा मूलधन है, हो जाएगा मतलब अमाउंट 3,993, ये हमारी अमाउंट है। अब बात करते हैं रेट और टाइम, क्योंकि तब से पहले हमें चेक करना है क्या क्वेश्चन में रेट और टाइम दिया है या नहीं दिया। क्वेश्चन में रेट नहीं दी, क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम। तो ये हमारा लॉजिक था, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें रेट और टाइम ना दिया हो। और उसमें हमारे पास आगे 5 पार्ट थे, पहला पार्ट था प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो। तो सबसे पहले हमें इससे रेशियो बनाना है, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, ये दोनों 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो 1000:1331, ये हमारा 1000:1331, ये फाइनल रेशियो 3 साल बाद का। अब 3 साल बाद से अगर मुझे पहले साल का रेशियो फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, क्यूब रूट, ये हमने थ्योरी पार्ट में सीखा था। तो इससे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट करोगे 10, 13 31 का 11। क्यूब रूट क्यों किया, क्योंकि समय 3 साल था। अगर मुझे वापस आना है तो मुझे क्यूब रूट करना होगा, अगर आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा, क्यूब। तो 10 11, ये फर्स्ट ईयर का गया। फर्स्ट ईयर का मतलब होता है ना तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये सिंपल इंटरेस्ट, आप फर्स्ट ईयर को दोनों के लिए सेम होता है कि मैंने 10 रुपये उधार दिए, मुझे मिलेंगे कितने, 11, तो मुझे ब्याज मिला 1, कितने पर, 10 पर, गुना में 100, तो रेट आ गया आपकी 10%। तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बनाना है, सिंपली रेशियो बनाना है, वहाँ से आपके पास इजीली रेट मिल जाएगी जब हमें टाइम दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए इतने रुपए का निवेश किया, ये हमारा प्रिंसिपल है, टाइम है 2 साल। 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए चक्रवर्ती ब्याज की राशि, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से मिलेगी, तो 5,94.5 उसी का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बताना है कि किस रेट पर इतना उसे ब्याज मिलेगा। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मुझे सबसे पहले रेट और टाइम देखना है, टाइम गिवन है, रेट नहीं है। अगर रेट नहीं है फिर मेरे पास 5 मेथड आ गए। तो फर्स्ट मेथड था ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट हो, प्रिंसिपल 5,800 है, अमाउंट डायरेक्टली नहीं गिवन, उसने ब्याज दिया हुआ है, तो अमाउंट का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। तो सोल्यूशन में देखते हैं, प्रिंसिपल 5,800, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, दोनों को ऐड करने पे सॉल्व हुआ 0.5 का मतलब होगा फ्रैक्शन में 1/2। फिर आपने मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया तो फाइनल रेशियो आया 11,600 12,780, ये हमारा फाइनल रेशियो आया। अब मुझे टाइम देखना है, समय है 2 साल, तो ये रेशियो 2 साल बाद का है। अब 2 साल बाद से मुझे पहले वाला फर्स्ट ईयर का रेशियो बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट के लिए मैंने प्रिंसिपल को देखा ध्यान से, मैंने देखा 11,600 का तो स्क्वेयर रूट हो ही नहीं रहा, तो मैंने 11,600 के फैक्टर किए, फैक्टर आए 29 × 400। तो मैंने देखा 29 का तो स्क्वेयर रूट हो नहीं रहा, बट 400 का हो रहा है, इट मीन्स दोनों रेशियो में 29 की टेबल से कैंसिल आउट होगा, तो
तो मैंने दोनों रेशो को कट किया, तो यहाँ तो 400 आया, उस तरफ आया 441। तो ये रेशो है मेरे पास है प्रिंसिपल अमाउंट का 2 साल बाद का। अगर मुझे 1 साल वाला रेशो फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, स्क्वेयर रूट। तो मैंने इसका स्क्वेयर रूट किया, 400 का 20, 441 का 21। तो 20 मेरा मूलधन है, 21 मेरा 1 साल बाद मिश्रधन है। तो ब्याज कितना कमाया, एक कितने पर, 20 पर गुना में 100। तो यहाँ से रेट आ गया हमारी 5%। कई बार अमाउंट डायरेक्टली दी होगी, कई बार अमाउंट इनडायरेक्टली गिवन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि 2000 रुपये 1.5 साल में इतने रुपए हो जाते हैं और ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में सीएलसी होता है। अब ये हाफ ईयरली का केस आया, तो कोई मैटर नहीं करता हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, ईयरली है। सिंपल, टाइम गिवन है 1.5 साल, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो रेट नहीं गिवन। तो सबसे पहला टारगेट प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल है 2000, अमाउंट है 1315.25। 0.25 का फ्रैक्शन होगा 1/4। जब हमने इसको सोल्व किया मिक्स फ्रैक्शन को, रेशियो आया 8000:9261। अब ये रेशियो आया हमारे पास फाइनल रेशियो है टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद। अब ये रेशियो जो हमारे पास है ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आया है, तो जो मुझे टाइम भी कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग रीड करना है। एनुअली जो टाइम दिया हुआ है वो आपके पास 1.5 साल, जब मैं 1.5 साल को हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा तो टाइम आएगा मेरे पास 3। 1.5 साल में अर्धवार्षिक के 3 सेक्शन बनेंगे तो टाइम है 3। तो अब इसका मैं क्या करूँगा, क्यूब रूट, क्योंकि ये 3 टाइम के बाद है, 6-6 महीने के 3 क्वार्टर के बाद है। अगर मुझे फर्स्ट क्वार्टर फाइंड, 6 महीने का सेक्शन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, क्यूब रूट। तो फॉर्मूले में हमने देखा था, आप दोबारा देख सकते हो, फॉर्मूले में जो हमने देखा था उसमें आ रहा था 100 की पावर n, ये जो फाइनल रेशियो आया था 100+r की पावर n। तो ये टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर मुझे वापस आना है तो मुझे पावर क्यूब रूट करना होगा। तो जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको रूट करना होगा हमें। तो आप देख सकते हो अब आगे, तो 8000 का रूट किया तो 20, 9261 के लिए 21, ब्याज मिला 1, कितने पर, 20 पर, गुना में 100, रेट आई 5%। अब ये जो रेशियो था ये था हमारा अर्धवार्षिक अकॉर्डिंग, तो रेट भी किसके अकॉर्डिंग है, हाफ ईयरली, वार्षिक में कन्वर्ट करना है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने की दर 5 है, तो पूरे साल की दर क्या होगी, 10%। नेक्स्ट देखते हैं, कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतने रुपए होगी। अब देखो इसमें आपको रेट गिवन है बट इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, कितने समय में। ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेट और टाइम ना दिया हो, उसके 5 मेथड थे। फर्स्ट था आपका प्रिंसिपल और अमाउंट, 2000 हमारा प्रिंसिपल है, 2420 हमारा क्या है, अमाउंट। तो मैंने प्रिंसिपल रेशो अमाउंट का रेशो बनाया, 2000:2420 का रेशो आया 100:121। अब रेट है 10%, तो रेट से हमें जो रेशो मिलता है प्रिंसिपल और अमाउंट का ही मिलता है, बट वो जो रेशो मिलता है हमें 1 साल बाद का मिलता है। तो 10% का रेशो आ जाएगा 100:110, 10:11, और ये फाइनल है। तो वह दोनों को कंपेयर करना है तो आपको पता लग जाएगा, ये 1 साल का है। तो इस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें टाइम क्या करता है, पावर की फॉर्म में जाएगा, कि मैं 10 का क्या करूं कि 100 आ जाए, और रिजल्ट पावर में बताना है कि 10 का मैं स्क्वेयर करूंगा, इट मीन समय कितना होगा, 2 साल। अगर आप फॉर्मूले में देखोगे, रेशो हमने बनाया था 100 की पावर n था, तो मतलब फर्स्ट ईयर की कितनी पावर करूँ कि वो फाइनल रेशो बन जाए, तो 10 की कितनी पावर करूँ कि 100 आ जाए, तो 2 पावर करेंगे। तो ये वर्क करने पे आया, इट मीन्स समय कितना होगा, 2 साल। अगर क्यूब करने पे आता तो समय कितना होता, 3 साल। ये डेफिनेटली कोई ना कोई स्क्वायर क्यूब पावर फोर से जरूर मैच होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से इतने रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 महीने से अधिक होता है। तो ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट है बट टाइम नहीं है। तो प्रिंसिपल रेशो अमाउंट 1000:1331। अब ये जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आया है, और 20% जो रेट है वो एनुअली है, तो 20% एनुअली, तो हाफ ईयरली रेट आएगी 10%, 10% का रेशियो आएगा 10:11। तो 10:11 का क्या करूँ कि 1000 और 1331 आ जाए, तो क्यूब करने पर ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम पावर 3 करेंगे। तो ये अर्धवार्षिक अकॉर्डिंग था, क्यूब मीन्स 6-6 महीने के 3 सेक्शन। तो जब समय हमारे पास n=3 है तो t=3/2 ईयर,
तो ये अर्धवार्षिक अकॉर्डिंग 3 साल लगेंगे, वार्षिक अकॉर्डिंग समय होगा हमारे पास 1.5 साल। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में इतने रुपये, 4 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो ये हमारा सेकंड लॉजिक शुरू होगा। 2 बार समय सोल्यूशन में देख सकते हो, 2 बार मिश्रधन, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 बार समय और 2 बार मिश्रधन दिया हो। तो कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में इतने रुपये, 4 वर्ष में इतने रुपये, तो समय 2 बार है, अमाउंट भी हमारे पास 2 बार है, तो 3 साल में 2400, 4 साल में 2520। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। 3 साल बाद आज बैंक किसी व्यक्ति ने अकाउंट खुलवाया, तो जो भी उसके पास पैसे होंगे उसका प्रिंसिपल होगा, 3 साल बाद उसके अकाउंट में 2400 रुपये हो जाएंगे। तो ये जो 2400 रुपये हैं आने वाले टाइम के लिए, ये मूलधन का काम करेंगे, प्रिंसिपल का, यही कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो 3 साल बाद ये 2400 रुपये, आगे टाइम है टोटल 4 साल, तो आगे 1 साल और लगा, तो हम कह सकते हैं 2400 रुपये प्रिंसिपल है, 2520 अमाउंट है, ऐसा तब है जब समय कितना है 1 साल। तो अगर 2400 रुपये मूलधन हो तो 1 साल बाद वो 2520 हो जाएंगे, तो आप कह सकते हो 2400 हमारे पास प्रिंसिपल है, 2520 हमारे पास क्या है, अमाउंट। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 बार समय 2 बार अमाउंट दिया हो, तो कम टाइम वाली अमाउंट बड़े टाइम के लिए प्रिंसिपल का काम करती है, और जो टाइम होगा वो उन दोनों का डिफरेंस। 3 साल बाद 2400 है, 1 साल बाद 2520 हो जाएंगे, मतलब 1 साल में ब्याज कितना कमाया, 120। तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, अब आगे हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, अब ये लॉजिक चेंज हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो। तो प्रिंसिपल है 2400, अमाउंट है 2520, रेशियो बनाया 30:21। अब ये जो रेशियो है ये 1 साल का है, तो ये बाई डिफॉल्ट 1 साल का है, तो आप ऐसे चाहिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 साल का होता तो हम 1 साल का बनाने के लिए स्क्वेयर रूट करते, तो यहाँ ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। तो 20 रुपये 21 हो गए, तो ब्याज मिला 1, कितने पर, 20 पर, गुना में 100, तो रेट आई हमारे पास 5%। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 बार समय 2 बार अमाउंट दी हो। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 3 रुपये, 4 वर्ष में 3 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष दर क्या है। तो 2 बार समय दिया हुआ है और 2 बार आपके पास अमाउंट है, तो अब हम कह सकते हैं कम टाइम वाली अमाउंट है प्रिंसिपल, ये हमारे पास अमाउंट है, और समय कितना आएगा, डिफरेंस 2 साल, तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, तो 2 की टेबल से कैंसिल आउट किया। अब ये 2 साल है तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट, क्योंकि हमें बड़े रेशियो से छोटे रेशियो पे आना है, तो हमें क्या करना है, स्क्वेयर रूट। अगर समय 3 साल होता तो क्या करते, क्यूब रूट। इसका स्क्वायर रूट किया 110, इसका किया तो 121, ब्याज कितना मिला 11, कितने पर, 110 गुना में 100, तो रेट आई हमारे पास 10%। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 रुपये, 4 वर्ष में 3 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो समय 2 बार है, अमाउंट भी 2 बार है, बट इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे तो उसने आपसे इसने दर पूछी थी, बट इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल, वह राशि क्या है। तो जब भी समय दुगना होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब समय क्या होगा, दुगना। आप देख सकते हो सोल्यूशन में लिखा हुआ है समय दुगना, समय दुगना को या हाफ को, दोनों का मीनिंग सेम होगा। बड़े टाइम के लिए बात करोगे दुगना कहोगे, छोटे टाइम की बात करोगे तो हाफ कहोगे। ऐसा क्वेश्चन जिसमें समय दुगना हो वहाँ पर आप प्रिंसिपल डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है a1² / a2, प्रिंसिपल इक्वल टू a1² / a2। अभी के लिए छोड़ दो फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया, अभी के लिए बस आप ध्यान रखो अगर समय डबल हो रहा है तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डायरेक्टली a1² / a2। a1 है छोटे टाइम की अमाउंट, a2 है बड़े टाइम की अमाउंट। तो छोटा टाइम है 2 साल, उसकी अमाउंट है 4500, तो प्रिंसिपल बराबर 4500 गुना 4500 अपॉन में a2, 6750। जब इसे सोल्व करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3000। ये हमारा प्रिंसिपल था। ऐसा क्वेश्चन जिसमें समय डबल हो रहा हो, प्रिंसिपल पूछा हो, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता, 2 साल को मैं 10 साल पढ़ूँ, 4 साल को मैं 20 साल पढ़ूँ, मेरे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट शर्त है समय डबल होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित किसी योजना में कुछ राशि का निवेश करता है, यदि किसी निश्चित समय में 7200 रुपये चक्रवर्ती ब्याज से इतने रुपये हो जाते हैं, तो 7200 रुपये इतने रुपये हो जाते हैं, तो 7200 क्या हुआ, प्रिंसिपल, और ये हमारे पास क्या है, अमाउंट। तो 7200 रुपये पहले वाले समय के आधे समय में कितने हो जाएंगे,
और जो भी टाइम पहले था उससे आधा समय। तो मैंने आपको बताया था समय आधा को हो चाहे डबल को हो, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएंगे, तो मतलब ये आधे समय में, आधा समय मतलब छोटा टाइम, छोटे टाइम की अमाउंट आपसे पूछ रहा है, और छोटे टाइम के अमाउंट का नाम था ए वन। तो फॉर्मूला देख सकते हो, प्रिंसिपल बराबर ए वन स्क्वायर अपॉन में ए टू। तो अब प्रिंसिपल हमें गिवन है 7200, आधे समय वाले अमाउंट पूछ रहा है, मतलब ए वन आपसे पूछ रहा है, ए टू दिया 10300 800। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना, आपके पास ए वन आ जाएगा। तो पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड में स्क्वायर आ रहा है तो मैंने राइट साइड में फैक्टर बनाई, और वो भी दो दो के पेयर, क्योंकि रूट करना है तो दो दो के पेयर बनेंगे, क्यूब रूट करना है तो तीन तीन के पेयर। तो जब हमने इसके फैक्टर किए, मैंने 72 को लिखो 12 गुना 6, तो इसको भी मैंने फैक्टर किया, पहले 12 × 6 × 144, अब रूट किया, 12 और 12 का रूट आया 12, 6 और 6 का आया 6, 100 का 10 और 144 का 12। सोल्व करने पे आपका आंसर आया 8640। नेक्स्ट देखते हैं, एंड टाइम्स, फोर्थ लॉजिक आपका एंड टाइम्स, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको बताएगा कि कोई राशि 5 साल में 10 गुना हो जाती है, कुछ इस तरह से बताया होगा। तो पहले हम इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल, तो ये कह रहा है कि 4 साल में प्रिंसिपल दुगना हो जाता है, आज जितने भी रुपए पड़े हैं 4 साल बाद क्या हो जाएंगे, डबल, और जो रुपए उस टाइम होंगे 4 साल बाद वो अगले 4 साल में वापस क्या हो जाएंगे, डबल, क्योंकि वो प्रिंसिपल का काम करेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है। तो प्रिंसिपल पी है, 4 साल बाद प्रिंसिपल हो गया 2p, डबल। नेक्स्ट अगेन 4 साल बाद प्रिंसिपल होगा 2p का डबल 4p, समय फिर 2 साल, फिर ऐसे चलता रहा, ऐसे चलते जाएंगे। अब आप ध्यान से देखते हैं कि अमाउंट और टाइम में क्या फ़र्क आ रहा है, समय 4 साल 4 साल 4 साल आगे चलते जाएंगे, 4 + 4 + 4, तो समय को बार बार जोड़ने के बजाय एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 × k, k बताएगा आपको ऐसे कितने सेक्शन बन रहे हैं 4 4 के, 3 बार है तो 12, 4 बार है तो 16, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आईडिया लगेगा, मतलब कह सकते हो टाइम में कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो टाइम में कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन, यही के है नंबर, ऐसा कितनी बार हो रहा है, तो यही नंबर अमाउंट में भी आएगा, देखो × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 बार बार चल रहा है, इसे बार बार 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसे लिखो 2 की पावर k, के का मतलब ऐसा 3 बार हो रहा है तो 2 की पावर k 8 8 गुना हो जाएगा, ऐसा 5 बार हो रहा तो 2 की पावर 5 32 गुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अमाउंट में हमने क्या चेक किया, पावर, और टाइम में क्या चेक किया, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा लॉजिक है। तो नोट है इसमें, टाइम फर्स्ट टाइम इंटू के, मतलब जितनी जो भी के की वैल्यू आएगी, जैसे पहला टाइम 5 साल है, k3 आया तो 5 × 3 = 50, 15, तो 15 साल आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। ऐसे ये अमाउंट में क्या चेक करना है, पावर, तो टाइम है उसमें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, अमाउंट में जो आएगा वो किस में आएगा, पावर चेक करनी है, वहाँ से आपको पता लगेगा ऐसा कितनी बार होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 10 साल में दुगनी होगी, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, पहले दुगनी रही थी अब क्या हो रही है, 4 गुनी। तो हम देखते हैं, टाइम एक तरफ आया, अमाउंट, पावर में मैंने बताया था, अमाउंट में बताया था पावर चेक करनी है, टाइम में मैंने आपको बताया था आपको मल्टीपल चेक करना है कितने गुना हो रहा है। तो समय है 10 साल, अमाउंट है 2 गुनी, समय आपसे पूछ रहा है अमाउंट है 4 गुनी, तो 2 से बेसिक वाला स्टार्टिंग वाला 2 है, 2 की पावर क्या करें कि क्या आ जाए 4, तो k का मान आया 2, तो ऐसा 2 बार होगा, पहले 1 रुपये आज था, फिर 2 रुपये हो गए, फिर 4 हो गए, तो दो प्रोसेस लगे, आप कह सकते हो 1 रुपया था तो नीचे सोल्यूशन लिखा हुआ है, एक शुरू में 1 है, बाद में 2 हो गए, उसके बाद क्या हुए 4, एक बार 2 बार, ऐसा कितनी बार हुआ 2 बार, 10 और 10 20, तो जो अमाउंट में आया है कि वो टाइम में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो बेसिक टाइम है 10, शुरू वाला 10 × 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 साल। नेक्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 6 वर्ष में 4 गुनी, वही राशि उसी दर से कितने समय में 64 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है, तो अमाउंट है पहले 4 गुनी, बाद में कितना है 64, तो 4 से 64 अमाउंट में क्या चेक करना है, पावर, तो बेसिक है 4 4 की पावर k बराबर 64, k का मान आया 3, तो ऐसा कितनी बार होगा, 3 बार आप चेक कर सकते हो,
एक और प्याज था, फिर चार हो गए, चार गुना, फिर चार का चार गुना 16, फिर चार का चार गुना 64, यहाँ से यहाँ 6, 6 और 12 और 6 18, टाइम हमारा आ गया 18 सर। तो अमाउंट में पावर चेक करना, समय में मल्टीप्लिकेशन। तो के का मान आया 3, तो पहला टाइम में 6, 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, तो 18 साल लगेंगे इसे 64 गुना होने में। नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 16 वर्ष में 81 गुना हो जाती है, तो बताओ वही राशि कितने समय में 9 गुना हो जाएगी। तो पहले 81 गुना है, बाद में क्या है 9 गुना। ये नहीं है कि पहले बड़ा आ गया नंबर, बाद में छोटा आ गया, तो दोनों आंसर मैंने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, 16 साल लगे 81 गुना होने में, कितने साल लगेंगे 9 गुना होने में। तो वही सेम लॉजिक, 81 की पावर के किसके बराबर है 9, तो के का मान आ जाएगा हाफ। तो जब मैं के का 81 का रूट करूंगा, तो रूट का मतलब 1/2, पावर 1/2 करूंगा, तो आंसर 9 आएगा। तो के का मान आ गया हमारे पास हाफ, तो 16 × ½ क्या आ जाएगा 8, क्योंकि जो अमाउंट में पावर है वो टाइम में क्या होगी मल्टीप्लाई। अब उल्टा लिख रहे हैं, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे। तो कितना समय लगे 9 गुना हो जाए, 16 साल लगे 81 गुना होने में, तो 9 की कितनी पावर करेगी 81 आ जाए 2, तो समय में क्या करना 2 से मल्टीप्लाई। तो पहला टाइम है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को किससे मल्टीप्लाई करना 2 से, जो किसके बराबर आएगा 16, तो क्वेश्चन मार्क का मान आया 8। तो हमारा समय कितना आ जाएगा 8 साल, तो 8 साल लगेंगे 9 गुना होने में। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 5 वर्ष में 6 गुनी, तो बताओ उसी ब्याज की दर से 15 वर्ष में अपने से कितना गुना हो जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 5 साल में 6 गुना हुई, तो पूछ रहा है 15 साल में कितने गुना हो जाएगी। अगर हम बेसिक से देखेंगे, आज 1 रुपया है, 5 साल बाद 6 हो गए, अगले 5 साल बाद 6 गुना मतलब 36, अगले 5 साल मतलब 216, 5 और 5 10 और 5 15, तो 15 साल में कितने गुना होगी 16 गुना। ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब हम अपने सोल्यूशन पे चलते हैं, 5 साल में 6 गुना हुई, तो बताना है कितने गुना होगी। तो टाइम पे चलो 15 साल में, तो समय 5 से क्या हो गया 15, समय क्या हो गया 5 के बराबर 15, के का मान आया 3, क्योंकि टाइम में हमें क्या चेक करना है मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा 3 बार होगा, तो 16 अमाउंट में क्या चेक करना था पावर, तो के का मान हमारे पास 3 आया, तो अमाउंट की 6 की पावर 3 क्या आ जाएगा 216, तो कितने गुना हो जाएगी 216। जो नंबर टाइम से मल्टीप्लाई होगा वो अमाउंट में पावर आएगा, जो नंबर अमाउंट में पावर होगा वो टाइम में क्या आएगा मल्टीप्लाई, वो हमने बेसिक में देख लिया था इसके। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज की दर से 40 वर्ष में अपने से कितने गुना हो जाएगी। तो 10 साल लगे उसे 3 गुना होने में, तो बताना है 40 साल में कितने गुना हो जाएगी। तो समय 10 से क्या हो गया 40, समय में कितना गुना हो रहा है 4 गुना, जब समय में 4 गुना हो रहा है तो अमाउंट में पावर 4 आएगी, तो 3 की पावर 4 सॉरी 3 की पावर k यहाँ आएगा, 3 की पावर 4 वो किसके बराबर आएगा 81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो k का उधर समय में गुना है तो अमाउंट में क्या आएगा पावर। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 20 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से कितने गुना हो जाएगी। तो 20 साल में 16 गुना हुई, तो पूछा है 5 साल में कितने गुना होगी। तो ये नहीं देखना कि समय छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, बेसिक लॉजिक चलने दो। तो पहले टाइम पे देखो, 20 गुना k किसके बराबर है 5, तो k का मान क्या है 1/4, तो पहले से 20 साल से 5 साल मतलब k का मान कितना आएगा 1/4। तो जितना टाइम में मल्टीप्लाई है उतना ही अमाउंट में क्या चेक करना है पावर, तो 16 की पावर 1/4, तो ये हमारे पास सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 2। अब मैंने इसे उल्टा लिखा तो आंसर आएगा दुगना। अब इसे उल्टा लिखा, छोटा टाइम ऊपर बड़ा टाइम नीचे, 5 साल में कितने गुना हो जाएगी ये पूछ रहे हैं, यदि 20 साल में कितने गुना हो रही है 16 गुना, तो कितना गुना हो रहा है 5 × k = 20, के का मान कितना आया 4, तो क्वेश्चन मार्क की पावर 4 = 16, तो मैं किसकी पावर 4 करूँ कि 16 आ जाए, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुना। इसके बाद जो एक पार्ट और आएगा,
पॉइंट हमारे उल्लेख होगा, अभी तक हमने नहीं किया, जिसमें ब्याज की बात हो, वो हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम इसके कंपाउंड इंटरेस्ट का आगे वाला पार्ट देखेंगे। थैंक यू।